Zara, I have a question for you. You know, जब हम लोग दूसरी शादी करते हैं तो उसमें inheritance related क्या हमारे different, also with respect to your family and अगर आपका बच्चा हो तो दोनों सूरतों में हम क्या करते हैं? तो inheritance is of course एक तो because कुरान में लिखा हुआ है and सूरह निसा को ही follow करते हैं जो शरिया लॉ हम कहते हैं. Yeah. Inheritance में ये होता है adopted child हो या किसी और का हो, unless it's a child. So if you unless you've given birth, yeah, a couple has given birth to a child, yeah, or he is a grandchild or she is a grandchild, आपका कोई inheritance right नहीं होता. अच्छा. तो आप क्या करते हो उस scenario में कि for example अगर दो families, you know, two divorces की शादी होती है, दोनों के बच्चे हो, तो उन जो अगर husband की passes away, the second husband, तो उनकी उनकी सारी जायदाद second wife को जरूर जाएगी 1/8, लेकिन बाकी जो है उनकी खुद के जो legal heirs हैं, जो उनके खुद के बच्चे हैं, उस पर डिवॉल्व होगी. अच्छा. जो खातून की पहले शादी से बच्चे हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा अनलेस वो अपनी लाइफ टाइम में उनको गिफ्ट कर दें या अपने एक विल के तहत वो उसको उनको दे सकते हैं है. और विल में भी सिर्फ 1/3 दे सकते हैं. ओके. सो 1/3 इज अलाउड इन अंडर अ विल कि आप बिक्वीथ कर सकते हो किसी को भी. 1/3 के बाद वो फिर भी शरिया की तरह डिवॉल्व होगा. Ah, very interesting information. Zara, before your time finishes, because I know, you know, she's a working lady, she has to go to the court as well. So Zara, last thoughts about anything in law related, jo aapko lagta hai hamari audience ke liye faydemand ho sakta hai, ki aurtein in cheezon ke upar nazar rakhein aur dekhein ki how it can benefit them, jo shayad auraton ko na pata ho. देखिए बिकॉज हमारा टॉपिक मैरिज है, सो आई थिंक निकाहनामा पढ़ें उसको एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करें. उसमें आपको कुछ जो भी आपकी शरायत है मनवाने के लिए प्लीज लिखवाएं. ऑफ कोर्स पढ़ें. और एक बात, अच्छा यू कंप्लीट देन आई लास्ट पढ़ें. और उसके अलावा आप मशवरा करें जी अपने जो बड़े बूढ़ों से है कि उनको समझाएं भी, क्योंकि कभी ये होता है फैमिली प्रेशर की वजह से, जैसे आपने कहा राइट ऑफ डिवोर्स स्ट्राइक ऑफ हो जाता है, इतना महर नहीं लिखो. और ये सोचें अगर हर वक्त, देखिए हर इंसान चाहता है कि आपकी शादी चले और क्यों नहीं, राइट, लेकिन अगर नहीं चल सकती तो उसके रेपरकशंस में या उसके बाद फाइनेंसेस हो गए, बच्चों के बारे में सोचें और वो डालें निकाहनामा में. जबरदस्त. और बाय कंसेंट डालेंगे तो आपके लिए बाद में आसानी होगी. ज़ारा, ग्रेट टिप्स फ्रॉम यू. थैंक यू सो मच. यू समड इट अप प्रीटी मच योर एंटायर सेगमेंट सो ब्यूटिफुली.